हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है जीके ज्ञान कैप्सूल। मैं अपने जीके कंटेंट लेके आऊंगी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। आज मैं आपके लिए डिजीज एंड वैक्सीन से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। COVID-19 के वजह से वैक्सीन का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है इस टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाया है, आप इसे देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने GI टैग से रिलेटेड वीडियो और COVID-19 से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो भी जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 7 मई तक की थी, 8 से 18 मई की, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा, मैं क्विक रिविजन का कर देती हूँ। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जो कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का, वो डेवलप किया गया था, तो फ्रेंड्स ये डेवलप किया था एडवर्ड जेनर द्वारा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स, वैक्सीन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड वैका से उत्पन्न हुआ है और ड्राइव हुआ है, और वैका का मतलब होता है काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमारी के खिलाफ जब मानव शरीर में कमजोर रोग जनक या निष्क्रिय रोग जनक को डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है वैक्सीनेशन। जब ह्यूमन बॉडी में किसी डिजीज के अगेंस्ट वीकर पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन डाले जाते हैं तो उसे कहा जाता है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या प्रदान करने की विधि है? तो वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग, तो फ्रेंड्स ये प्रोवाइड करती है एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी जब बॉडी में कोई वीकर पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन या निष्क्रिय रोग जनक डाला जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इतनी एंटीबॉडीज बनाती है कि वो उस वीकर पैथोजन को सप्रेस कर देती है, दबा देती है, और इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बना देती है कि आगे चल के भी हमें वो डिजीज जिसके लिए हमें वैक्सीन दी गई है वो नहीं होती, उसके होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, फ्रेंड्स आंसर है लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस पाश्चर द्वारा विकसित पहला टीका किस वायरस के अगेंस्ट था? तो फ्रेंड्स ये था रैबीज वायरस के अगेंस्ट। तो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुईस पाश्चर वाज अगेंस्ट व्हिच वायरस? तो फ्रेंड्स वो थी रैबीज वायरस के। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कंबाइंड वैक्सीन, संयुक्त टीका कौन सा है? तो फ्रेंड्स संयुक्त टीका होता है DPT। अब फ्रेंड्स ये जो DPT है, संयुक्त टीका इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 डिजीज के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है, तो ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है, उसे कहते हैं कंबाइंड वैक्सीन। फ्रेंड्स इनमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? डिजीज वैक्सीन और उनका एयर ऑफ इन्वेंशन दिया है, तो फ्रेंड्स इसमें सही है ऑल ऑफ दीज। तो टिटनेस की वैक्सीन जो है 1938 में बनी, डिप्थीरिया की वैक्सीन 1926 में बनी, पर्ट्यूसिस की 1914 में, और फ्रेंड्स ये कंबाइन की गई 1948 में और बन गई DPT वैक्सीन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन वैक्सीन डेवलपमेंट? तो टीके के विकास में कितने चरण होते हैं? फ्रेंड्स टीके के विकास में 4 चरण होते हैं। कौन से होते हैं फ्रेंड्स ये चरण? फ्रेंड्स जो 4 स्टेजेस वैक्सीन डेवलपमेंट में होते हैं, वो पहला स्टेज जो होता है उसमें साइंटिस्ट पिक करता है कि कौन सी डिजीज पिक करनी है जिसके लिए, जो टारगेट डिजीज है और जिसके लिए वैक्सीन बनानी है। उसके बाद वैक्सीन क्रिएट की जाती है, उसके बाद वो एनिमल्स में टेस्टिंग होती है पहले, फिर ह्यूमंस में टेस्टिंग होती है सेफ्टी और एफिकेसी के लिए। तो फ्रेंड्स ये सेफ्टी के लिए मतलब वो कितनी सेफ है और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही है, तो उसकी सेफ्टी के लिए वो ह्यूमंस पे चेक होती है, साथ में एफिकेसी वो कितनी एफिशिएंट है, वो किसी डिजीज से लड़ने के लिए कितनी प्रभावी है, तो ये दोनों चीजें एक वैक्सीन में देखी जाती है कि कितनी सेफ है और कितनी एफिशिएंट है। तो ये 4 स्टेज में वैक्सीन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वैक्सीन बन जाती है तो कितने चरणों में उसकी जो सेफ्टी और एफिकेसी वैक्सीन की होती है वो कितने फेजेस में चेक होती है? तो फ्रेंड्स ये चेक होती है 3 फेजेस में। तो जब वैक्सीन एक बार बन जाती है, एनिमल्स में उसकी टेस्टिंग हो जाती है, तो जब ह्यूमन में टेस्टिंग होती है तो 3 फेजेस में होती है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी की टेस्टिंग। तो 3 फेजेस मतलब, पहले वाले फेज में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स लिया जाता है, जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं उनको लिया जाता है, उसके बाद उन्हें ऐसी डोज दी जाती है उस वैक्सीन की जो ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करे और साइड इफेक्ट बिल्कुल कम दे। तो ऐसी
मिनिमम डोज दी जाती है। फिर फ्रेंड्स सेकेंड फेज में क्या होता है, तुम्हारे वॉलंटियर्स बढ़ जाते हैं और अलग अलग एज ग्रुप पे वो वैक्सीन टेस्ट की जाती है। जब वो भी वो पास कर देती है तो उसके बाद वो थर्ड फेज में उसकी टेस्टिंग होती है। थर्ड फेज में क्या होता है, जहां डिजीज प्रिवेल कर रही है नेचुरल कंडीशन में वो वैक्सीन दी जाती है और फिर उसका रिजल्ट देखा जाता है। याद रखिएगा फोर्थ स्टेज में वैक्सीन बनती है और तीन फेज में उसका ट्रायल होता है। और फिर जब वैक्सीन का ट्रायल हो जाता है उसके बाद वो सबमिट की जाती है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, या वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज को उनके अप्रूवल के लिए, और उसके बाद वो फैक्ट्रीज में डेवलपमेंट के लिए चली जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चली जाती है। तो फ्रेंड्स जो वैक्सीन है उनको कम से कम 5 साल तो लगते ही है और 5 से प्लस ही साल लगते हैं। और COVID-19 केस में ये सब इतना, क्योंकि इतना ज्यादा ये वायरस का इफेक्ट चल रहा है, तो ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाने की, ये प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। कई कंपनियों ने तो अभी एनिमल ट्रायल भी शुरू कर दिया और कई वैक्सीन मेकिंग कंपनियों ने ह्यूमन ट्रायल्स भी करा है। तो देखिए फ्रेंड्स होप्स हो जल्दी ही वैक्सीन बन जाए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का पहला सफल टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स किसने डेवलप की थी? तो फ्रेंड ये है एडवर्ड जेनर जी, 1796 में इंग्लैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किसके कारण होता है? तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है वायरस, तो वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने अपनी आधिकारिक घोषणा कब जारी की कि दुनिया ने चेचक से मुक्ति पा ली है? तो फ्रेंड्स WHO ने डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि वर्ल्ड हैज वॉन फ्रीडम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन 1918। और फ्रेंड्स ये कैंपेन जो था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन WHO ने लॉन्च किया था 1967 में। तब ये चेचक उन्मूलन अभियान 1967 में लॉन्च हुआ था और जो वर्ल्ड को फ्रीडम मिल गई थी जो WHO ने डिक्लेयर किया स्मॉल पॉक्स से, वो 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग, तो डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस आर? तो फ्रेंड्स ये है ऑल ऑफ दीज, तो निमोनिया, टिटनेस और कॉलेरा, ये सारे बैक्टीरिया से ह्यूमंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्क एंड सबीन आर वैक्सीन फॉर विच डिजीज? तो सल्क एंड सबीन किस बीमारी के टीके हैं? तो फ्रेंड्स सल्क एंड सबीन जो है वो पोलियो वायरस, पोलियो की जो बीमारी है उसके टीके हैं। और जो सल्क है, जॉन सल्क, उन्होंने 1952 में इनएक्टिव पोलियो वायरस इंजेक्शन बनाया था। और जो अल्बर्ट सबिन है, उन्होंने 1955 में जो ओरल वैक्सीन दी जाती है वो बनाई थी पोलियो की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में वायरस से होने वाली बीमारी, तो फ्रेंड्स मनुष्यों में जो वायरस की वजह से होती है डिजीज वो है ऑल ऑफ दीज, तो मिसल्स भी वायरस की वजह से होता है, पोलियो भी और कॉमन कोल्ड भी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पोलियो मुक्त राष्ट्र के रूप में किस तिथि को पूर्ण 5 वर्ष पूरे किए? तो फ्रेंड्स ये किए 13 जनवरी 2016 को। तो याद रखिएगा कि इंडिया कंप्लीटेड द फुल 5 ईयर ऑफ पोलियो फ्री नेशन ऑन विच डे? तो 13 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज यूज टू इंक्रीज इम्यूनिटी अगेंस्ट विच डिजीज? तो BCG वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ दी जाती है? तो फ्रेंड्स ये दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, क्षय रोग। और BCG का फुल फॉर्म है बैचलर कैलमेट ग्वेरिन जो है इसके डेवलपर है BCG के। तो BCG वैक्सीन जो दी जाती है टीबी के लिए दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस को। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स एंथ्रेक्स जो होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण, और एंथ्रेक्स का जो वैक्सीन था वो लुईस पाश्चर ने बनाया था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटोजोन्स के कारण होने वाले रोग, तो प्रोटोजोन्स के कारण जो ह्यूमंस में डिजीज होती है वो है? तो फ्रेंड्स ये है ऑल ऑफ दीज, मलेरिया, काला आजार और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा करेक्ट है, डिजीज की वैक्सीन और उनका एयर ऑफ इन्वेंशन? तो फ्रेंड्स इसमें ऑल ऑफ दीज है। मिसल्स की जो वैक्सीन है 1963 में बनी, मम्स की वैक्सीन 1967 में बनी, और रूबेला की बनी 1969 में। इसे कंबाइन किया गया 1971 में और बन गई MMR वैक्सीन। तो तीन डिजीज के लिए एक ही वैक्सीन दी जाने लगी, MMR वैक्सीन, मिसल्स, मम्स और रूबेला। तो फ्रेंड एक DPT वैक्सीन है डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस के लिए, और एक है MMR वैक्सीन जो कंबाइन वैक्सीन है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई चैनल जीके ज्ञान कैप्सूल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।